आज एक तो सौभाग्य का विषय है कि विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो हम देवभूमि से बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इस पुण्य भूमि से, देवभूमि से यहाँ के लाखों और एक करोड़ से भी अधिक लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं कि वो दीर्घायु हों और उनके नेतृत्व में भारत विश्व के शिखर पर पहुँचे। आज ये जो बड़ा कार्यक्रम रुड़की में आयोजित हो रहा है, ये आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा है। इसके तहत 140 जातियाँ होंगी, 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उनके जो कौशल विकास है, जो उनका आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो एक अभियान है, वो अभियान आज शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी और तुरंत कैबिनेट की मीटिंग करके इस योजना को उन्होंने स्वीकृति दी और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। पूरे देश के कोने कोने से आज करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं और 140 जातियां जिनका सीधा जिनको इसका लाभ मिलना है, ये OBC मोर्चे के द्वारा यहां पर इनको सभी आयोजित किया जा रहा है। तो मैं OBC मोर्चा को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितना OBC समाज के लिए हुआ है, न भूतो न भविष्यति, और इसलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और हरिद्वार के लोग तो वैसे भी बहुत प्रसन्न हैं OBC के लिए जितना कुछ किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि देश के शिक्षा मंत्री रहते हुए OBC के लिए जो केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में जो बच्चों के प्रवेश में आरक्षण होना था, वो भी हमने स्वीकृत किया, जबकि संवैधानिक दर्जा वाला आयोग जिसकी 40 वर्षों से मांग थी वो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया है। तो गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं ये लोग ले रहे हैं उसका लाभ, और हरिद्वार उसमें नंबर एक है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है। आज एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी है, विश्वकर्मा योजना जो उन्होंने निकाली है। मैं समझता हूँ कि सभी समाज के लिए, चाहे वो मूर्तिकार हों, मालाकार हों, सुनार हों, लोहार हों, सभी पिछड़े वर्गों के लिए जो योजना निकाली है MSME में, और एक बहुत आसान जो लोन करने के लिए उन्होंने कराया कि 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन सिर्फ 5% ब्याज पे जो कराया, मैं समझता हूँ इससे हमारे जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनको लाभ मिलेगा और वो लोन लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और ऐसी शिल्पीकार करेंगे कि देश का उसमें नाम हो और भारत आज आगे बढ़ रहा है लगातार। तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और सभी को विश्वकर्मा दिवस की, कि सभी लोग देश के लिए काम करें, समर्पित रहें, देश को आगे बढ़ाएं। और जो भारत देश का जो हमें नाम मिला है, उससे हमें गौरव महसूस होता है कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं, और जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति आज जो जिंदा हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हम आज जो है गौरव महसूस कर रहे हैं।